बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर जो है 3 वो स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ना है रेशो के बारे में। रेशो असल में क्या है? रेशो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन है जिसके हम दोनों का तनासब मालूम करेंगे। इसमें ए और बी अगर दो क्वांटिटीज़ हों और इसमें बी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे देखें, मतलब ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, एक ए है और एक बी है, इनके दरमियान अगर ये साइन जो है ये रेशो कहलाता है। और इसमें मस्ट है कि बी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि रेशो का मतलब ये डिवाइड है और जो भी बटे के नीचे रकम होती है उसमें ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर ये ज़ीरो होगा, मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ज़ीरो लिखते हैं तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स नथिंग, ये कुछ नहीं है। तो आज हमने रेशो के बारे में सीखना है। इसमें 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि दो उसने क्वांटिटीज़ दी हैं और दोनों एक ही तरह की हैं। देखो, ये भी रुपीज़ हैं और ये भी रुपीज़, इसकी हमने रेशो फाइंड करनी है। रेशो में लेके आएंगे तो ये 750 रेशो 1250, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक ही टेबल से आपने काटना है। रेशो मतलब डिवाइड भी होता है। पहले देखें, 0-0 से कैंसिल, बाकी आया 75 और ये आ गया 125। अब इस दोनों को आपने एक ही टेबल से काटना है। 5 से काटें, 5 1 5 5 5 25, ये 5 2 10, ये 25 आ गए। उसके बाद दोबारा 5 से काटें, 5 3 15, 5 5 25, ये आपका आंसर है। इसमें आप लेकर ये समझें, आप ये पहली क्वांटिटी है, ये दूसरी है, ये ए है और ये बी। देखिए दूसरा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि रेशो असल में रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़, दो सेम एक ही तरह की क्वांटिटीज़ जो हैं उनके दरमियान रेशो मालूम करते हैं। ये देखें सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको हम रेशो फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, या इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या इसको सेंटी में। तो आपको मालूम है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में 300 हो गए, दोनों सेंटी आ गए। इसको वो आप इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे, ये 300। बस बाकी कटिंग करनी है एक ही टेबल से, पहले 0-0 से कैंसिल, बाकी बचा आपका 45:30। अब 5 से कटिंग करें इसकी, 5 9 जार और 5 6 जार। उसके बाद दोबारा कटिंग हो सकती है, 3 से 3 3 जार और ये 3 2 जार, ये आपका जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, थर्ड पार्ट है। देखिए, ये पहली क्वांटिटी जो है किलोग्राम में है, दूसरी क्वांटिटी किलोग्राम और ग्राम दोनों में है। पहले इसको आपने एक ही क्वांटिटी में लेके आना है। तो एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं जी, तो 4 किलोग्राम में क्या हो जाएगा, 4000 किलोग्राम। ये 2 kg, ये 2000, ये हो गया 750, ये कितना हो गया, ये 2750 ग्राम जी। ये अब आपकी यूनिट जो है वो सेम होगी। इसको आप रेशो में कन्वर्ट करते हैं, 4000 रेशो 2750, इसको एक ही टेबल से आपने काटने, ये 0-0 से कैंसिल, बाकी बचा आपका 400, ये आ गया 275। 5 के टेबल से काटें, 5 8 जार, ये 0 आया, ये 5 5 जार और 2 बचा, फिर 5 5 जार। दोबारा 5 से काटें, 5 1 जार 5, यहाँ पर 3 बचा, 5 6 जार 30 और ये 11 से। अब मजीद ये 16 और 11 किस टेबल से नहीं कटता, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक क्लास में 60 बच्चे हैं, इसमें 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो लड़कियां हैं और बाकी जो है उसमें बॉयज हैं। टोटल स्टूडेंट्स देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है 60। बाकी उसने बताया इसमें जो गर्ल्स हैं वो 25 हैं और जो बाकी हैं वो बॉयज़ हैं। तो कुल स्टूडेंट 60 और 25 माइनस किया, बाकी बॉयज़ आ गए, ये आपके पास हो गया 35। अब आपने जो रेशो निकालनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, यहाँ बॉयज़ लिखें, रेशो टोटल स्टूडेंट्स की, बॉयज आपके पास 35 और कुल स्टूडेंट्स थे आपके पास 60। बाकी बाकी सारा काम वही जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। इसको आप एक ही टेबल से इसकी कटिंग करें, 5 7 जार और ये 12 से गया, ये आपका आंसर आ गया। आगे आपने रेशो निकालनी है बॉयज टू गर्ल्स, पहले आप बॉयज लिखें, रेशो गर्ल्स, बॉयज हैं आपके पास 35 और गर्ल्स हैं आपके पास 25। अब आप अपनी कटिंग करें, 5 7 जार और ये 5 5 जार, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें,
क्वेश्चन नंबर थ्री में उसने क्वेश्चन दिया है 3x-5y = 2x-7y, और आपने x रेशो y निकालना है जी। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 3 4 12, 3 5 15, और ये 2x-7y। अब आप लोग क्या करें कि जो x वाली वैल्यूज हैं वो एक तरफ ले दें और जो y वाली हैं वो दूसरी तरफ। ये 12x है, 2 इधर आया -2x-7y, ये माइनस का है, वहाँ जाके ये प्लस हो गया, बायां से 2 माइनस किया ये 10x आया, -7 प्लस ये हो गया 8y। अब आपने x रेशो y निकालना है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि रेशो का मतलब डिवाइड भी होता है। तो आप क्या करें, ये y को ले आए नीचे, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, ये 8 ओवर ये आ गया 10, ये 2 4s are 8 और 2 5s are 10, इसको आप लिख सकते हैं x रेशो y, और ये आ गया 4 रेशो 5, ये आपका आंसर आ गया। हमने x रेशो y ही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन 4 में है आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है, जब क्वेश्चन दिया हुआ है 2p+5 आ गया 3p+4, और ये इक्वल है किसके, 3 रेशो 4 के। चलें ये वही काम करेंगे कि आप रेशो मीन डिवाइड, 3p+4 हो गया, ये अगर 3 ओवर 4। अब जब इक्वालिटी में दोनों तरफ फ्रैक्शन हो तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये रकम यहाँ से मल्टीप्लाई होगी और ये इसके साथ, 4 को मल्टीप्लाई करो 2p+5 से, और 3 को मल्टीप्लाई करना है 3p+4, मल्टीप्लाई करें 4 2s are 8, पी को 5s are 20, 3s are 9p, प्लस 3 4s are 12। अब आप p वाली में एक तरफ करें -8p, और जो कांस्टेंट है वो इक्वालिटी के इस तरफ ले आए, 20 से 12 माइनस किया तो ये बचा आपका 8, 9 से 8 किया तो ये आ गया 1p। तो यही आपने फाइंड करना था। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो 3/1 के आज हमने 5 क्वेश्चन करने थे, वो हम निकाल लिए, बाकी जो नेक्स्ट है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करें। शुक्रिया सर।